न्यूज चैनल, मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की खास और बड़ी खबरें। मंडल कार्य समिति में उठी मांग तो सांसद ने लगाई मुहर। बेटमा को तहसील का दर्जा, कॉलेज और नगर की जर्जर, इंदौर धार सीमेंट कंक्रीट सड़क बनवाने का दिलाया भरोसा। बेटमा नगर में रविवार को भाजपा गुरु नानक मंडल का एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गयी। महिलाओं द्वारा रखी गई खेलकूद प्रतियोगिता बरसों पुरानी परंपरा आज भी जीवित गुलाना है। बेटमा नगर में रविवार को भाजपा गुरु नानक मंडल का एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि देपालपुर विधानसभा का बेटमा क्षेत्र देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनेगा। क्षेत्र में इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्थापित होगा जिसमें उद्योग लगेंगे, जिसमें केंद्र सरकार पैसा लगाएगी और राज्य सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी। इससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, ट्रेनों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। साथ ही इस क्षेत्र को मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे यहां के लोगों को 6 घंटे में मुंबई और 6 घंटे में दिल्ली की एक्सप्रेस कनेक्टिविटी मिल सकेगी। कार्य समिति की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें भाजपा की प्रस्तावना विषय पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष गोपाल सिंह चौधरी ने अपना विषय रखा। भाजपा का इतिहास और विचार धारा विषय पर डॉक्टर रीता उपमन्यु, बूथ मैनेजमेंट पर अशोक सोमानी एवं समापन अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने संगठन की रीति नीति समीक्षा एवं आगामी कार्य योजना के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता राजनीति जीवी नहीं है, वह समाज जीवी कार्यकर्ता है। संगठन के स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, कोविड में सेवा प्रकल्प आदि काम भाजपा कार्यकर्ता को अलग पहचान दिलाता है। मंडल अध्यक्ष मलखान सिंह पवार ने कोविड-19 के अंतर्गत किए गए सेवा कार्यों, 370 एनआरसी के समर्थन, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण आदि कार्यों का व्रत रखा। कार्य समिति के दौरान महामंत्री रोशन भांगड़िया ने राजनीतिक प्रस्ताव व गणेश परमार ने कोविड-19 के दौरान भाजपा संगठन के प्रस्ताव का वाचन किया, जिससे सभी सदस्यों व पदाधिकारियों ने हाथ उठाकर ओम के नाथ के साथ समर्थन किया। कार्य समिति में जिला महामंत्री गुमान सिंह पवार, दिनेश गर्ग, मूलचंद शर्मा, मोहन सिंह कछावा, चंदन सिंह सुनेर, कैलाश चौधरी, राम निवास दाऊ, नीलेश उपाध्याय, सुनैना बियाणी, चरण सिंह चौधरी, दिलीप जाट, दशरथ पटेल, नरपत सेठ, नारायण सिसोदिया, कमल भोपाली, मनोज राय, विजय पटेल आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। बाकी 2-3 बातें यहाँ कही गई है कि बेटमा को देखभाल बनाया जाए, बेटमा में कॉलेज चाहिए, निश्चित तौर पर बेटमा बनाया जाए। कॉलेज की बात कही गई, मैं निश्चित तौर पर सरकार से बात करूँगा, संभावना पूरी कि इनकी दोनों मांग हम सरकार से मांग करके बताएंगे। बड़ा काम होने जा रहा है इस क्षेत्र में, उसके लिए जमीन चिन्हित कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा, राज्य सरकार कराएगी और उसमें महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि यहाँ ट्रेन की कनेक्टिविटी टी से भी होगी और यहाँ से फिर गुजरात रेलवे ट्रैक भी बनेगा। इसके साथ साथ यहाँ से बॉम्बे दिल्ली जो कॉरिडोर बन रहा है उसकी कनेक्टिविटी भी रहेगी। एयरपोर्ट तो हमारे पास में ही थी, तो एक उद्योगों को, रोजगारों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में इस क्षेत्र का जरूर उद्धार होगा, क्योंकि हमें एक रिंग रोड की भी प्रस्तावना दी है सरकार को, जिसमें राज्य सरकार जमीन देगी और केंद्र सरकार को बनाएगी। ठीक है।